नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। देवर अपनी भाभी के साथ जबरदस्त बनाता था शारीरिक संबंध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बलात्कार के प्रयास का विरोध करने पर अपनी भाभी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने एक प्रवक्ता ने कहा है कि महिला को रविवार को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में पपोर लाया गया था और लेकिन वह चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा, प्रथम दृष्टया में महिला को मौत का कारण संदिग्ध परिस्थिति को बताया जा रहा है और इसीलिए पुलिस ने चिकित्सकीय कानूनी प्रक्रिया से पूरी करने के लिए बाद मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सीआरपीसी के धारा 174 के तहत जांच की कार्यवाही शुरू करी है। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान मृतकों की पति समेत परिवार के कई लोगों को पूछताछ भी की जाएगी और प्रवक्ता ने कहा है कि पीड़िता के कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद जांच बल दल को मृतकों के तेवर से संदेह हुआ था और लगातार पूछताछ के बाद उसने अपनी भाभी की हत्या के बारे में कबूला था। उन्होंने कहा था कि यह व्यक्ति के खुलासा किया कि उसकी भाभी रविवार को घर पर अकेली थी और उसने स्थिति का फायदा उठाकर उसका यौन शोषण करने का प्रयास किया। प्रवक्ता ने कहा है कि मृतका के उसका पुरजोर विरोध किया था और हंगामा भी किया था। हालांकि आरोपी ने शुरू से उसे शांत करने की कोशिश की थी लेकिन जब उसने लगातार मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया तो उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से भाग गया। उन्होंने कहा कि जब पीड़िता को अस्पताल में ले जाया गया तो वहां व्यक्ति ने उसके साथ गया तो ताकि किसी को उसकी हत्या की शामिल होने का पता ना चले। 7 साल तक राजेश खन्ना के साथ लिव इन में रही है अंजू। 11 जनवरी 1986 को जन्मी अंजू आज अपना 77वां जन्मदिन मना रही है। अभिनेत्री ने साल 2067 में अपनी फिल्म उसकी कहानी से बॉलीवुड की कदम रखा था और अंजू ने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन में भी अपना अभिनय किया है। लेकिन अंजू बॉलीवुड जगत की मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अफेयर के कारण ज़्यादा चर्चा में रही है और उन्होंने लगभग 7 साल तक उनके साथ रिलेशनशिप में रही है और वह लिव इन में भी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राजेश खन्ना ने अंजू को एक आलिशान बंगला भी खरीद कर दिया था, वह तोहफे में दिया था। अभिनेत्री ने इस दौरान मॉडलिंग के स्ट्रगल कर रही थी। वह राजेश खन्ना के बचपन की दोस्त थी जिसके बाद दोनों के लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहते थे और बताया जा रहा है कि राजेश खन्ना ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, तब उन्होंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था जिसके कारण राजेश खन्ना ने बेहद नाराज हो गए थे, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग भी हो गए थे। राजेश खन्ना के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद अंजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिनेता रूढ़िवादी के सोच रखते थे और अंजू ने यह भी बताया था कि राजेश खन्ना काम करने नहीं चाहते थे। 17 साल तक नहीं की थी बात। बताया जा रहा है कि ब्रेकअप के बाद लगभग 17 साल तक दोनों के बीच बातचीत नहीं थी। हालांकि इसके बाद उनकी कुछ मौके पर बातचीत शुरू थी। साल 2012 में राजेश खन्ना की मौत के वक्त अंजू अपने अंतिम संस्कार को पहुंची थी। अंजू को कई मौके पर राजेश खन्ना के परिवार के साथ देखा भी जा चुका है। तमन्ना के बचाव में आए वरुण धवन। बता दें कि हाल ही में एक ट्विटर पर आए पोस्टर तमन्ना के रुद्र प्रभु के चेहरे पर ग्लो के लिए ट्रोल किया गया था और एक पोस्टर में शेयर किया गया था कि उनकी ऑटोइम्यून बीमारी के मायोजेनिक्स के कारण तमन्ना के अपने चेहरे पर सारा आकर्षण खो दिया है और यूजर ने कहा है कि तमन्ना के लिए बुरा लग रहा है, उन्होंने अपना सारा आकर्षण और ग्लो खो दिया है। जब अभी सोचा कि तमन्ना तलाक के मजबूरी से बाहर निकल आई है और इसका करियर भी ऊंचाइयों पर जा रहा है, तभी मायोजिनिटी के उन्हें बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था और जिसके उन्होंने उनके चेहरे की पूरी तेज खो दी थी। इस पर अभिनेता वरुण धवन ने ट्रोल को शानदार तरीके से जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आप किसी की निजी जिंदगी के बारे में ऐसा मनहूस नहीं बोल सकते हो और तुम्हें बस लोगों को गिराकर अपनी ओर उसका ध्यान खींचना ही होता है बेटा, और इसके बाद खराब लगता है। ग्लो तो इंस्टाग्राम फिल्टर्स के कारण भी आता है। अभी मेंस में मुलाकात हुई थी और मेरा यकीन मानो कि वह काफी ग्लोइंग है। इस पर समंता रुद्र प्रभु ने प्रतिक्रिया दी है और ट्रोल की ट्वीट को रीट्वीट भी किया है और सामंथा ने लिखा है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको कभी भी
किसी के कारण ऐसी बातें सुनने ना मिले और जैसा मुझे गुजरना पड़ा है वैसे आपको गुजरना ना पड़े। मेरे तरफ से आपको प्यार।